एक्सप्रेशन फॉर फोर्स नहीं है, एक्सप्रेशन फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ है. तो एक्सप्रेशन फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ. इस टॉपिक को समझने से पहले आप इन चीजों के आंसर दें, तभी आपको यह टॉपिक समझ में आएगा. क्या सपोज करो आपके पास दो इनफाइनाइट वायर्स हैं. मान लें एक में करंट नीचे है और एक में करंट ऊपर है. ये वायर नंबर वन है और ये वायर नंबर टू है. इनफाइनाइट वायर्स हैं, ठीक. और इनके बीच में जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है इनके बीच में, लेट अस सपोज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, ठीक है. मेरा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आंसर देना. ये एक्सप्रेशन में कुछ नहीं है, आपको सब आता है. ये वायर के अंदर करंट है, मान लो इस वायर में I1 करंट है और इस वायर में I2 करंट है. तो पहला क्वेश्चन, क्या I1 करंट अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा? I1 करंट कैरिंग वायर है, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा? लगाएगा. बाइट्स रॉबर्ट लॉ से हमने इनफाइनाइट वायर का रिजल्ट किया हुआ है. तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि चलो ये तो बहुत बड़ी वायर है, तुम एक काम करो, तुम इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लो या लेंथ ले लो, एल लेंथ ले लो बस. तो इसके अंदर भी कितना करंट पास हो रहा है? आई टू. तो क्या ये करंट कैरिंग वायर इस पोर्शन पे बी लगाएगा? ये करंट कैरिंग वायर ए डिस्टेंस दूर, यहां पे क्या बी लगाएगा? बाइट से बट रिवाइज करने वाला है आपका, लगाएगा. इनफाइनाइट वायर है तो ए डिस्टेंस पे बी तो लगेगा. कितना लगेगा? फॉर्मूला बोलो. म्यू नॉट बाय फोर पाई 2 इंटू करंट आई वन डिवाइडेड बाय ए. क्या स्टेप क्लियर है? तो ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर यहां पे बी लगाएगा और ये वन नंबर वायर है तो ये बी वन लगाएगा, ठीक है. ठीक हो गया यहां तक? ये इतना बी लगेगा. अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? हाँ करेगा, अभी तो किया. बी आई एल साइन थीटा. तो करंट कैरिंग वायर इस मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है तो ये तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. इससे पहले ये बताओ कि जब इसने यहां पे बी लगाया, वो इनसाइड है कि आउटसाइड है? तो ये बाइट सर्वेट लॉ की प्रॉब्लम है. तुम करंट की तरफ थंब को ले जाओ नीचे, तो बी कैसे होगा? आउटसाइड. तो लिख लूं यहां पर बी कैसे है? आउटसाइड. तो सोचो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर है, ये फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा. कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये एलिमेंट? बी अपना यूज नहीं करेगा, बी इसका यूज करेगा पी वन, करंट अपना यूज करेगा आई टू, लेंथ अपनी यूज करेगा और साइन ऑफ 90, क्योंकि लेंथ इधर है और बी वेक्टर आउटसाइड है, तो बी आई एल साइन 90. तो ये स्टेप भी क्लियर है. तो इस करंट कैरिंग वायर ने करंट तो अपना ही यूज किया, पर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी वन में पड़ा हुआ था, तो बी वन आई टू एल साइन 90. और अगर मैं यहां पर बी वन की वैल्यू को पुट कर दूं म्यू नॉट बाय फोर पाई टू इंटू आई वन डिवाइडेड बाय आई टू इंटू एल और यहां से एफ टू बाय एल पूछूं, तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा. ये लो, ये आंसर आएगा. तो ये क्या गया? फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ कंडक्टर. तो ये एक्सप्रेशन है फोर्स पर यूनिट लेंथ का. तो यहां तक क्लियर है? और अगर मैं ये पूछूं इस फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बी इसमें कैसे है? आउटसाइड. ये आउटसाइड. करंट कैसी है इसमें? ऊपर. तो फोर्स कहां लगेगी? इस तरफ. बी बोर्ड के बाहर है, आउटसाइड है. करंट कैसे है? ऊपर. तो फोर्स कहां लगेगी? राइट लगेगी. तो ये फोर्स राइट लगेगी. ये बात समझ में आ रही है सबको यहां पर? तो मैंने फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक्सप्रेशन भी निकाल दिया और साथ में डायरेक्शन भी निकाल दी. अब जैसे सपोज करो इसके अंदर, फिर से देखो एक बार, फिर से दो पैरेलल वायर्स हैं, इनके बीच में डिस्टेंस ए है, इसमें करंट आई वन नीचे जा रहा था, अभी इसमें करंट आई टू ऊपर आ रहा था. अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं. मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं इस पोर्शन की लेंथ कंसिडर करूं वायर की एल, जिसमें कितना करंट जा रहा है आई वन,
तो ये वायर नंबर वन है, ये वायर नंबर टू है, क्या ये आई टू इसके ऊपर बी लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। कितना लगाएगा? म्यू नॉट बाय फोर पाई टू इंटू आई टू डिवाइडेड बाय ए लगाएगा। कहाँ लगाएगा? ये करंट ऊपर है तो थंब ऊपर है, बी कैसे आउटसाइड लगाएगा, तो आपने बी कैसे लिखना है यहां पर, आउटसाइड लगाएगा। अब ये करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितना करेगा? बी ये पड़ोस की वायर का यूज करेगा, बी टू करंट ये अपना यूज करेगा, लेंथ अपनी यूज करेगा साइन ऑफ 90। और अगर मैं बी टू की यहां पर वैल्यू पुट कर दूं तो एफ वन की वैल्यू आएगी म्यू नॉट बाय फोर पाई टू आई टू बाय ए इंटू आई वन इंटू एल, तो एफ वन डिवाइडेड बाई एल की वैल्यू आएगी म्यू नॉट बाय फोर पाई टू आई वन आई टू डिवाइडेड बाई ए। तो फिर से एक्सप्रेशन क्या आ गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ का, ठीक। और डायरेक्शन फोर्स की कहां होगी, बी कैसे है आउट, करंट कैसे है नीचे, फोर्स कैसे होगी मेरी तरफ, तो फोर्स कैसी होगी मेरी तरफ। तो इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि अगर मैं इस डायग्राम को एक साथ बनाऊं ऐसे, तो आपको यह समझ में आता है कि ये वायर इसके ऊपर फोर्स लगाएगी और ये वायर इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। तो यानी कि अगर दो करंट कैरिंग वायर पैरेलल पड़ी हुई हैं तो वो एक दूसरे पे फोर्स तो लगाएंगी। अब अगर पेपर में आ गया तो बहुत मुश्किल काम है कि पहले बायट से बटलो से बी निकाल लो, फिर फ्लेमिंग रूल से बी, बंदा यार पागल हो गया, ये मेरे से नहीं होता। तो मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट बता रहा हूँ कि आप अपनी फिंगर से, उंगलियों से तो गलत कर सकते हो, पर ये शॉर्टकट कभी फेल नहीं हो सकता, मतलब ही नहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाए और उसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। एक शॉर्टकट ये है कि अगर दो पैरेलल कंडक्टर्स आर कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि ये था अभी ऑपोजिट डायरेक्शन, तो दे विल रिपेल ईच अदर, ये पक्का रिपेल करेंगी। ये मैंने प्रूव भी करके दिखाया, वो अपने फ्लेमिंग लगा के दोनों वेक्टर ऐसे थे। लेकिन अगर ये वायर्स आर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन तो ये पक्का क्या करेंगी, अट्रैक्ट ही करेंगी। तो यानी कि जैसे अगर पेपर में ऐसा दिखे, करंट अगर ऑपोजिट है तो फिर आप दो वेक्टर दूर बनाओ, रिपल्शन है, और अगर सेम है तो फिर अट्रैक्शन, मतलब किसने चेक किया, ऐसे किया कि नहीं किया, सीधा शॉर्टकट मारना है। मैं भी नहीं करता, ये तो फर्स्ट टाइम सिखाता हूँ, ऐसे हुआ, सेकंड टाइम नहीं सिखाऊंगा, सेकंड टाइम होगा शॉर्टकट लगा लेना कि सेम है या ऑपोजिट है। तो ये रूल समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो डायग्राम बनाने में कुछ कर रहा ही नहीं, अगर बोर्ड में डायग्राम आ गया उसको थोड़ी ना पता है कि तुमने फिंगर से किया कि नहीं किया, तो तुम सीधा लगाओ ना, अगर करंट तुमसे ऑपोजिट हो गया तो रिपल्शन शो कर देना, बात खत्म हो गई, तो बन गया डायग्राम। और डायग्राम में डेरिवेशन तो पता ही है, कंसिडर टू पैरेलल कंडक्टर्स आई वन आई टू, तो इस वायर ने वन ने इसके ऊपर बी वन लगाया और इसने एफ टू वन ने बी वन पड़ोस की वायर का यूज किया, करंट अपना यूज किया, तो बी वन की वैल्यू को जब आपने यहां से यहां पुट किया तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक्सप्रेशन आ गया। उल्टा भी कर सकते हो, एफ वन टू की वैल्यू जब कैलकुलेट करते हो तो कई लोग यहां भी कंफ्यूज होते हैं, याद कैसे करें? देखो, याद करने का तरीका बहुत जबरदस्त है। कैसे? तुम अगर F2 की बात कर रहे हो, वायर 2 की बात कर रहे हो, तो B वायर 1 का ही यूज करना है, अपना B तो यूज करेगा नहीं, वो करंट ही अपना यूज करेगा, लेंथ का चक्कर ही, लेंथ तो दोनों के लिए सेम है। तो B1 यूज कर रहे हो तो यहाँ I1 ही आएगा। लो, आंसर आ गया। वो इतना में ही सोचना कि किसका B लेना है किसका नहीं लेना। अब जैसे मान लो आपने F1 लेना है तो B2 लेना है हमेशा, और करंट 1 का ही लेना है, तो B2 की वैल्यू पुट करके आंसर। तो ये एक्सप्रेशन आपने करके आना है फोर्स पर यूनिट लेंथ का। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो फोर्स पर यूनिट लेंथ के एक्सप्रेशन करने, फिर आपने फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला अभी फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करना है, और साथ में पेपर में ये भी आता है, डराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ टू पैरेलल कंडक्टर्स एंड ऑल्सो डिफाइन फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ वन एम्पियर। ये मत लिखाना वन एम्पियर में चार्ज अपॉन टाइम वन एम्पियर होता है ना, फंडामेंटल डेफिनेशन में ऐसे लिखना है कि अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू इसके इक्वल है, अगर मान लो दोनों वायर में करंट 1 एम्पियर 1 एम्पियर है और ए की वैल्यू 1 मीटर है,
तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगा 10^-7 इंटू 2 न्यूटन पर मीटर। तो आपने ये लिखने के बाद ये डिफाइन करना है कि इट इज दैट मच करंट विच वेन फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द टू यूनिफॉर्म पैरेलल लॉन्ग कंडक्टर्स, ये वो करंट है 1 एम्पियर जो फ्री स्पेस में रखी जाती है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, विल अट्रैक्ट और रिपेल भी लिखो, अट्रैक्ट भी कर सकती है और रिपेल भी, विल अट्रैक्ट या रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 2×10^-7 न्यूटन पर मीटर। मतलब डेफिनेशन न्यूमेरिकली बनानी है। अगर मान लो करंट 1 एम्पियर वो करंट है जब वायर के बीच में दूरी 1 मीटर है और फोर्स पर यूनिट लेंथ इसके इक्वल है, और ये फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर करो। एक तो ये फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला नोट करो ये वाला, और साथ में ये स्टेटमेंट भी नोट करो व्हेन टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन वो रिपेल करेंगे और सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे। कई लोग ये भी भूल जाते हैं शॉर्टकट, यार क्या था, अट्रैक्ट था कि रिपेल था। तो मैं आपको ऐसे याद दिला सकता हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा हाई टेंशन वायर देखें, हाईवे पे चले जाएं, वायर्स बहुत लंबी लंबी वायर्स हैं, आप गली के उसमें भी देख लें वायर्स हैं, उसमें करंट सेम डायरेक्शन में होता है, हमें डर होता है कहीं वो चिपक ना जाए। करंट सेम डायरेक्शन में चिपक सकती हैं, तो बीच में ब्लॉकर लगाए होते हैं, लकड़ के वो पीस लगाए होते हैं ताकि इनके बीच में दूरी मेंटेन रहे। अगर तुम्हें पता है दो वायर पैरेलल चल रही हैं और बहुत हाई करंट है उनमें, वो चिपक सकती हैं, उनमें आपको डिस्टेंस लगाने पड़ेंगे, स्टॉपर लगाने पड़ेंगे ताकि वो चिपक ना जाए। तो करंट कैरिंग अगर वायर सेम डायरेक्शन में करंट है हमेशा अट्रैक्ट करेंगी, ऑपोजिट है तो रिपेल करेंगी। तो लिख लें ये अपने इसमें फॉर्मूला रजिस्टर में।